वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 7 जून 2021 और 7 जून 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम स्टूडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए, लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू की है? तो अभी राजस्थान गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू की। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। वंचित छात्रों को सिविल सेवाओं और व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कराने के लिए राजस्थान गवर्नमेंट ने यह मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू की है। इसका लाभ एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के स्टूडेंट उठा सकते हैं। तो यह है मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, इसको राजस्थान ने शुरू किया है। अब राजस्थान ने शुरू किया तो यह है मैप में राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है? अशोक गहलोत। और राजस्थान के गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। अच्छा, राजस्थान में भी स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किए गए। भारत का पहला अंगदाता स्मारक राजस्थान के जयपुर में बना है और स्टैच्यू ऑफ पीस राजस्थान के पाली में बना है। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना ये राजस्थान में शुरू हुई और बीएसएफ ने ऑपरेशन सर्द हवा राजस्थान में शुरू किया। राजस्थान में ऑपरेशन डेजर्ट चेज भी शुरू हुआ था। और राजस्थान में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? सरिस्का नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क और केवला देवघाना पक्षी विहार भी राजस्थान में है। तो इतना आप राजस्थान के बारे में याद रखिए। अच्छा, आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कार्यक्रम के तहत किसानों को दलहन और तेलहन की अधिक उपज प्रदान करने वाले बीजों का वितरण किया जा रहा है? तो इस कार्यक्रम का नाम है सीड मिन किट। इसके तहत किसानों को दलहन यानी कि जो दाल की फसलें होती हैं और तेलहन यानी कि ऐसी फसलें जिनसे तेल निकलता है, इनकी अधिक उपज प्रदान करने वाले बीजों का वितरण किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, हमारे प्रेजेंट टाइम पे कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर प्रेजेंट टाइम पे हमारे कृषि मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने खोजी गई झेंगुर की एक प्रजाति का नाम एंडिमिमस जयंती रखा गया है? तो अभी छत्तीसगढ़ में झेंगुर की एक प्रजाति खोजी गई और इसका नाम एंडिमिमस जयंती रखा गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब ये छत्तीसगढ़ में खोजी गई तो ये है मैप में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? रायपुर। अच्छा, एक शहर है रायपुर और एक शहर है नया रायपुर। तो जो नया रायपुर शहर है उसका नाम बदल के अटल नगर रखा गया है। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ की गवर्नर हैं अनुसुईया उइके। छत्तीसगढ़ में दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक शुरू हुए। कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ में शुरू हुई। राजीव गांधी किसान न्याय योजना छत्तीसगढ़ में शुरू हुई और छत्तीसगढ़ की पुलिस ने डिप्रेशन ग्रस्त कर्मियों के लिए स्पंदन अभियान शुरू किया। छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? अचानक मार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बादलखोल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भैरमगढ़, भोरबदेव, समरसोट, तमोर पिंगला, उदयंती और इटानदी, ये छत्तीसगढ़ की इंपोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अच्छा, छत्तीसगढ़ में गौधन न्याय योजना शुरू हुई। कौन सी? गौधन न्याय योजना। और अभी महतारी दुलार योजना भी छत्तीसगढ़ में शुरू हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डीसीजीआई यानी कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भारत में किस कंपनी को स्पुतनिक वी वैक्सीन बनाने की अनुमति दी है? तो जो स्पुतनिक वी वैक्सीन है ये रशिया की वैक्सीन है। अब इसको सेरम इंस्टीट्यूट में बनाने की अनुमति डीसीजीआई ने दे दी है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एक्चुअली में ये जो वैक्सीन होती है, जैसे स्पुतनिक वी वैक्सीन है, इसकी खोज रसिया में हुई और अब इंडिया में सेरम इंस्टीट्यूट इसको बनाएगा। तो होता क्या है, इसको लाइसेंस दे दिया जाता है और जो बे मुनाफा होगा उसका एक पार्ट रसिया को जाएगा,
इस तरह से ये वैक्सीन बनती है। तो अब इंडिया में स्पुतनिक वी को सेरम इंस्टीट्यूट बनाएगा। इसका जो फॉर्मूला होता है बस वो फॉर्मूला दे दिया जाता है, जैसे स्पुतनिक वी का जो भी फॉर्मूला होगा वो अब सेरम इंस्टीट्यूट को दे दिया जाएगा और सेरम इंस्टीट्यूट उसी फॉर्मूले पर इस वैक्सीन का निर्माण करेगा। और सेरम इंस्टीट्यूट के सीईओ कौन है? आदार पूनावाला। कौन है? आदार पूनावाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फर्नांडो एफ लिमा बेला का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो फर्नांडो एफ लिमा बेला ये एक नाविक थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के मानद सदस्य भी रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल चेस फेडरेशन ने ग्लोबल चेस लीग को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, इसने ग्लोबल चेस लीग को बढ़ावा देने के लिए टेक महिंद्रा के साथ समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी ने अम्फोटेरिसिन वी की नैनो फाइबर आधारित ओरल टैबलेट विकसित की है? तो ये जो अम्फोटेरिसिन वी है इसकी एक नैनो फाइबर बेस्ड टैबलेट डेवलप की है आईआईटी हैदराबाद ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और ये जो टैबलेट विकसित की गई है इसका नाम है AMB, ये एक एंटी फंगल टैबलेट है। जैसे अभी आपने देखा इंडिया में ब्लैक फंगस फैल रहा है, फिर व्हाइट फंगस फैला और अभी येलो फंगस की भी बात सामने आई थी, तो ये एक एंटी फंगल टैबलेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एकिया ने किस राज्य के 3 शहरों में अपना मोबाइल शॉपिंग ऐप और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है? तो अभी एकिया ने गुजरात के 3 शहरों में अपना मोबाइल शॉपिंग ऐप और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। एकिया, ये स्वीडन की एक फर्नीचर की कंपनी है। इसने इंडिया में अपना पहला स्टोर हैदराबाद में खोला था, दूसरा स्टोर नवी मुंबई में खोला था और अब तीसरा स्टोर नोएडा में खोलने जा रहा है। लेकिन ये ऐप बेस्ड फर्नीचर डिलीवर कई शहरों में करती है, इसीलिए गुजरात के 3 शहरों में इसने अपना मोबाइल शॉपिंग ऐप और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। अब वो 3 शहर कौन से हैं? तो वो 3 शहर हैं अहमदाबाद, सूरत और बड़ौदा। अब गुजरात की बात है तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपाणी और गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात में अभी किसान सूर्योदय योजना शुरू हुई, गिरनार रोपवे का उद्घाटन गुजरात में हुआ, सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान गुजरात में शुरू हुआ, दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट गुजरात में बन रहा है और मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना ये भी गुजरात में शुरू हुई। अच्छा, गुजरात में सुरेंद्र नगर में एक रेशम प्रसंस्करण केंद्र बना है। गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है, ये एशियाटिक लायंस के लिए फेमस है, गिरी नेशनल पार्क। अच्छा, गुजरात में सरदार सरोवर डैम है। गुजरात में कौन कौन सी लेक हैं? खोल, कंकड़िया और खिजाड़िया, ये गुजरात की इंपोर्टेंट लेक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पाकिस्तान सरकार ने किस देश की मदद से अपने देश में तैयार कोरोना की पहली वैक्सीन पाक वैक लॉन्च की है? तो अब पाकिस्तान ने भी पाक वैक नाम से एक कोरोना वैक्सीन बना ली है, लेकिन ये वैक्सीन पाकिस्तान ने सिर्फ अकेले नहीं बनाई, इसको चाइना की मदद से पाकिस्तान ने बनाया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 23 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो अभी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने 5 जून यानी कि वर्ल्ड एनवायरमेंट डे को 23 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया और इसके लिए अब वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब उत्तर प्रदेश की बात है तो यह है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे स्थित। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश में अभी बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू हुई, नबेल रोजगार छत्री योजना ये उत्तर प्रदेश में शुरू हुई, काला नमक चावल महोत्सव उत्तर प्रदेश में मनाया गया और मंडुआ डी रेलवे स्टेशन का नाम बदल के बनारस रेलवे स्टेशन रखा गया है। अच्छा, उत्तर प्रदेश की बात है तो उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा A100 प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे में A100 प्रोजेक्ट की शुरुआत की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। A100 प्रोजेक्ट ये किसके लिए है? तो ये देश में इथेनॉल के उत्पादन और वितरण के लिए नेटवर्क स्थापित करने के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में आंध्र प्रदेश के किस जिले में जगन्ना पाला वेलुबा एपी अमूल परियोजना शुरू की गई? तो अभी आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले में जगन्ना पाला वेलुबा एपी अमूल परियोजना शुरू की गई। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब यह परियोजना किसके लिए है? तो इस परियोजना के थ्रू जो किसान है वो अपनी गाय भैंस का दूध सीधा अमूल को बेच सकते हैं। तो यह है योजना। अब आंध्र प्रदेश की बात है तो यह है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की तीन कैपिटल है, अमरावती लेजिस्लेटिव कैपिटल है, विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, कुरनूल जुडिशियल कैपिटल है। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं जगन मोहन रेड्डी और आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं बिश्वभूषण हरिचंद्रन। आंध्र प्रदेश में भी मोबाइल हैंडवॉश सुविधा स्टेशन शुरू हुए, नबर नालू पेदलांत्रिकी कार्यक्रम आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ, जगन्ना विद्या दीवेना योजना ये आंध्र प्रदेश में शुरू हुई, और नेघा ऐप और कोबेट फार्मा ऐप ये दो ऐप आंध्र प्रदेश में लॉन्च हुई है। अच्छा, आंध्र प्रदेश में आरोग्य मित्र नियुक्त किए गए हैं। पूरे देश में फलों के उत्पादन में आंध्र प्रदेश नंबर वन पे है। आंध्र प्रदेश में कोलेरू लेक है और पुलिकट लेक है। आंध्र प्रदेश में पापीकोंडा नेशनल पार्क है और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है। इसके अलावा एक राजीव गांधी नेशनल पार्क भी आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और एडीबी ने किस राज्य की प्रमुख जिला सड़कों के उन्नयन के लिए 2.5 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया? तो अभी अपने देश भारत और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने सिक्किम की प्रमुख सड़कों के उन्नयन के लिए 2.5 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब सिक्किम, तो यह है मैप में सिक्किम। सिक्किम की कैपिटल क्या है? गंगटोक। सिक्किम के चीफ मिनिस्टर कौन है? प्रेम सिंह तवांग। और सिक्किम के गवर्नर कौन है? गंगा प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टिकाऊ शहरी विकास के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ है? तो अभी टिकाऊ शहरी विकास के लिए अपने देश भारत और मालदीव के बीच समझौता हुआ। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब मालदीव, तो ये है मैप में मालदीव। मालदीव की कैपिटल क्या है? माले। मालदीव की करेंसी क्या है? मालदीवियन रुपया। और मालदीव के प्रेजेंट टाइप प्रेसिडेंट कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोले। अच्छा, इंडिया और मालदीव के बीच में कितने डिग्री चैनल है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इंडिया और मालदीव के बीच में है 8 डिग्री चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एएसआई को महाराष्ट्र के किस शहर में त्रिरश्मी बौद्ध गुफा परिसर में 3 गुफाएं मिली हैं? तो अभी एएसआई यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को महाराष्ट्र के नासिक शहर में त्रिरश्मी बौद्ध गुफा परिसर में 3 गुफाएं मिली। तो इस क्वेश्चन से ऑप्शन सही है। अब ये जो त्रिरश्मी बौद्ध गुफा परिसर है इसे पांडव लेनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पांडव लेनी। अब नासिक, तो नासिक में त्रियंबकेश्वर मंदिर भी है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में जारी नीति आयोग के तीसरे एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 में कौन सीट पर रहा? तो जो नीति आयोग का एसडीजी इंडेक्स जारी किया गया इस बार, इसमें फिर से केरल टॉप पर रहा। यानी कि इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट्स का आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट्स के बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किसने फिक्शन के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना। आज की इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।